प्रिय बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से और श्री गुरु जम्बेश्वर पब्लिक स्कूल की तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्रिय बच्चों, हमने नाउन के पार्ट वन में हमने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन क्या है उसके बारे में पढ़ा और हमने आज नाउन का पार्ट टू जो है उसमें हम नाउन्स के काइंड्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के इसके प्रकार के बारे में जानने से पहले मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे पेन, दिमाग क्या है लाइट, बात करें लॉइन की, कॉपी, बुक, डॉग, एट एटसेट्रा, यानी कि ये सब नाउन है। नाउन सब है लेकिन इनमें भी कुछ वैरायटीज है। वैरायटी का मतलब जाति। ये सब अलग अलग जाति के हैं। अब जाति के आधार पर इनका नामकरण करना पड़ेगा यानी कि इसके प्रकार के बारे में। अब इसके प्रकार के बारे में जानने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट में से गुजरना पड़ेगा इसको समझने के लिए, एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, दिमाग में है बोर्ड, यानी कि इस दुनिया में जो भी आता है वो सिंगल आता है। कोई भी चीज ले लो, जब चीज सिंगल आती है तो धीरे धीरे उसका एक समाज बन जाता है। मान लो आया गोट, आया अकेला सिंगल, लेकिन गोट आया वो रहने लगा झुंड में, यानी कि एक समाज बन गया। जिस चीज का समाज बन जाता है वो बन जाता है कॉमन। यानी कि अब इसकी जाति बन गई। अब जाति बन गई, कोई भी चीज जो आती है वो अकेली नहीं रहती, उसका एक झुंड बन जाता है। मान ले बोट आया, बोट अब अकेला नहीं है, बहुत सारे बोट हो चुके हैं, ठीक है ना, 1 2 3, यानी कि बोट ही बोट है। अब ये झुंड बन गया, इसको बोलेंगे आप कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब ये बन गया कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के लिए इसको बोलेंगे भीड़ या झुंड। इस झुंड के लिए अलग अलग नेम है, जैसे कि टीम, स्वयं, ब्रूम, बी, फॉक, क्लॉक, फ्लिट, झुंड बन गया। अब कोई भी चीज हम इसको अगर झुंड में से निकाल लें और उसका नामकरण कर दें, वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। मान लो जैसे डॉग है, डॉग आया दुनिया में, अब वो झुंड में रहने लगा। अब झुंड में से कोई चीज निकाल के हम उसका नामकरण कर दें तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन, यानी कि तीसरी कैटेगरी में बन जाता है वो
प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कुत्ता है, कुत्ते को अगर भीड़ में से निकाल के उसको 5-7 दिन के लिए घर पे लाते हैं और नामकरण कर देते हैं टॉमी, या गोट आया गोट का नाम रख दिया, भीड़ में से निकाला अलग किया और नाम रख दिया टोनू। अब 5-7 दिन के बाद में आप उसको बुलाओगे, अगर कुत्ते इधर आ, अब वो समझ गया वो कुत्ता नहीं है, उसका नाम हो गया अब टॉमी, यानी कि वो बन गया खास नाम हुआ, अब बन गया वो प्रॉपर नाउन। इस प्रकार से ये पूरा जो कंसेप्ट है ये नाउन्स की कैटेगरी के बारे में, नाउन्स के काइंड के बारे में हमें विस्तार से समझने में हमारी सहायता करेगा। अब हम करते हैं बारी बारी से काइंड्स के बारे में, कि सबसे पहले आया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से बना वो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन से जब उसको हम अलग करेंगे वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के बारे में अगर कुछ खास है जिसके हम बारे में महसूस करते हैं तो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बारी बारी से हम पढ़ते हैं काइंड्स के बारे में। सबसे पहले है कॉमन नाउन, सबसे पहले है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की डेफिनेशन है, कॉमन नाउन इज अ वर्ड इट शो द कास्ट एंड द क्लास यानी कि जो शब्द किसी की जाति के बारे में, किसी के क्लास के बारे में जो हमें बताए होता है कॉमन नाउन। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, पेन, डॉग, काउ, बुक, यानी कि जो चीज आप देखते हैं सारी की सारी कॉमन नाउन होती है। इसके बाद में है कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो किसी ग्रुप को दर्शाए, एक से अधिक संख्या का बोध करवाए, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। इट शो द कलेक्शन ऑफ थिंग्स एनिमल्स पीपल एक्सेट्रा, यानी कि जो कलेक्शन का बोध करवाए उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन से जो कलेक्टिव जो शब्द है, जो वर्ड है, वो बना है कलेक्ट से, COLL, कलेक्ट। अब अगर इसमें हम ION जोड़ दें तो ये बन जाता है नाउन। अगर हम इसमें IVE प्लस में IVE करते हैं तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। इसका मतलब हुआ वाला या वाली, इसका मतलब हुआ वाला या वाली, यानी कि ग्रुप को दर्शाने वाला जो शब्द हुआ वो हुआ एडजेक्टिव यानी कि कलेक्टिव, और जो नाउन हुआ वो बन गया ION यानी कि कलेक्शन कलेक्टिव, कलेक्शन हुआ नाउन और कलेक्टिव हुआ एडजेक्टिव यानी कि समूह को दर्शाने वाला या वाली। अब देखें समूह को दर्शाने वाले अलग अलग कैटेगरीज हैं, पीपल के लिए अलग है, थिंग्स के लिए अलग है, और जो नेचुरल चीज है उनके लिए जो कॉमन वर्ड है कलेक्शन को दर्शाने वाला वो
अलग अलग है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जैसे कि पीपल के लिए एक कॉमन वार्ड जो कलेक्शन को दर्शाता है, जैसे कि संगीतकारों के लिए झुंड के लिए हम एक शब्द बोलेंगे ए बैंड ऑफ, म्यूजिशियंस। उसी प्रकार स्टूडेंट की का झुंड है उसके लिए हम बोलेंगे ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अगर इसी प्रकार चोरों का झुंड है उसको बोलेंगे ए गैंग ऑफ थीव्स। इसी प्रकार से अगर झुंड है एनिमल्स का तो उसके लिए भी कॉमन वर्ड है, जैसे कि ए फ्लॉक ऑफ, अब ये तो था आप पीपल के लिए, अब है एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के लिए जो कॉमन वर्ड है वो है एनिमल्स कॉमन वर्ड जो कलेक्शन को दर्शाते हैं, यानी कि झुंड के लिए जो शब्द है एनिमल्स के लिए, जैसे कि ए फ्लॉक ऑफ शिप्स। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए अलग शब्द है, जैसे कि ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स। यानी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए अलग शब्द है, इसको हम ग्रुप नहीं कह सकते, ए ग्रुप ऑफ शिप, ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ए ग्रुप ऑफ बी, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि इन सब के लिए एक कॉमन शब्द है, जैसे कि शिप के लिए फ्लॉक है, इंसेक्ट के लिए स्वैप है, इसी प्रकार के लिए जैसे कि पिल्लों का समूह है, पिल्लों के लिए हम ग्रुप ऑफ पपीज नहीं कह सकते, इसके लिए एक शब्द है ए लीटर ऑफ पपीज, ए लीटर ऑफ पपीज। ए हाइव ऑफ बी, यानी कि मधुमक्खियों का जो छत्ता है, जो झुंड है, उसके लिए अलग शब्द है। इसी प्रकार जैसे मछलियों के समूह को क्या बोलेंगे, ए स्कूल ऑफ फिश। इसी प्रकार नेचुरल जो थिंग्स हैं उसके लिए भी अलग अलग वर्ड्स हैं, आप लिखेंगे नेचुरल थिंग्स कॉमन वर्ड है, जैसे कि ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, स्टार्स। ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, ये हुआ कलेक्टिव नाउंस के लिए जो कॉमन वर्ड। इसके बाद में हम अगर प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब हमने क्या किया, उस कलेक्शन में से हमने कुछ को खास बनाया, उनका नामकरण कर दिया, वो बन जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। यानी कि पहले कॉमन नाउन, उस कॉमन नाउन से यानी कि भीड़ में से अलग किया, वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। तो डेफिनेशन होगी ए प्रॉपर नाउन इज ए वर्ड दैट शो पर्टिकुलर नेम ऑफ थिंग्स एनिमल्स
पीपल, प्लेस एटसेट्रा, यानी कि जो किसी चीज को खास बना दे। उदाहरण के लिए जैसे राम, रोहन, दिल्ली, एनी प्लेस, दिल्ली, पटना एटसेट्रा, यानी कि प्रॉपर नाउन इज ए वर्ड दैट शो पर्टिकुलर नेम ऑफ थिंग्स एनिमल पीपल प्लेस। स्थान के नाम को जैसे कि पटना, दिल्ली, पशु के नाम का कोई भी नाम हो सकता है, उसी प्रकार से थिंग्स का कोई भी नाम है जैसे पेन। यह होता है प्रॉपर नाउन। इसके बाद में अगर हम बात करें कि प्रॉपर नाउन के बारे में हम खास बात जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करें रोहन के बारे में या दिल्ली के बारे में कि जैसे राम एक बहादुर लड़का है। अब जो बहादुर शब्द है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के बारे में जो कही गई बात है उसको हम रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हुआ जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हम अब डेफिनेशन के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन that cannot be seen, that cannot be seen touch, but feel about, is called felt about, is called abstract noun. यानी कि जिस चीज को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल उसके बारे में हम महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि हिंदी में बोलते इसको भावाचक संज्ञा, यानी कि सिर्फ भाव को महसूस किया जाता है, न कि उसको देखा जाता है। अब बात करें ब्रेवरी, हीट, लाइट, देखो उदाहरण के लिए लाइट। अब हम इस लाइट को ऐसा लगता है कि हम देख पाते हैं, लेकिन हम इसको देख नहीं पाते, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि 50% जो 50% जो वर्ब है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे वर्ड है स्माइल, वर्ड है लाफ, लाफ, जैसे कि आपको पता है कि जो लाफ है ये वर्ब है। अब मैंने बताया कि जो 50% वर्ब होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे कि स्माइल को लीजिए, अब कोई उदाहरण के लिए अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो हम कहेंगे कि इसको हम दिखा नहीं सकते। कुछ बच्चे बोलते हैं मुस्कुराने को हम देख सकते हैं, जैसे कोई मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब हम उसको दर्शाएंगे तो हम उसके सिर्फ लिप्स को दर्शाएंगे, उसके चीक्स को दर्शाएंगे, उसके टीथ को दर्शाएंगे। तो मुस्कुराना कोई थिंग्स नहीं है कि ये लो ये स्माइल है आप इसको देख रहे।
हम देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे स्माइल में मैंने दिखाया कि हम किसी को अगर स्माइल दिखाना चाहें तो हम उसके दिखाएंगे चिक्स, उसके टीथ, उसके माउथ को, उसके एक्सप्रेशन को हम सिर्फ दिखाते हैं, महसूस करते हैं। यानी कि कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसी कोई थिंग नहीं है जो स्माइल को हम पकड़ सकें, उसको छू सकें। सिर्फ उसके हाव भाव से, उसके एक्शन से हमें महसूस होता है कि वो मुस्कुरा रहा है। उसी प्रकार लाफ शब्द है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। यानी कि 50% जो वर्ब है वो कॉमन नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम कहना चाहें कि दैट कैन नॉट बी सीन, टच एंड बट फेल्ट अबाउट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रिय बच्चों, ये तो हमारा नाउन के काइंड के बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ा। अब आपको समझ में आ चुका है नाउन है क्या, इसको क्यों पढ़ा जाता है, और मैंने कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बताना चाहा कि सबसे पहले दुनिया में कॉमन नाउन आता है, यानी कि जो भी चीज सिंगल है जिसको हम पहली बार में देखते हैं। उदाहरण के लिए आप, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, सब क्या है, कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन धीरे धीरे क्या होता है, जब सिंगल आता है, सिंगल आने के बाद में क्या बन जाता है, इसका एक समाज बन जाता है। अब समाज बन गया, इसका मतलब उसका झुंड बन गया। अब झुंड के लिए हमने अलग अलग शब्द पढ़े हैं। अब उस झुंड में से हमने पर्टिकुलर डॉग को या गोट को निकाला, उसका हमने नामकरण कर दिया टोनू या टॉमी। अब वो उसको समझ में आ चुका है कि वो टॉमी या टोनू है, यानी कि वो प्रॉपर नाउन बन चुके हैं। अब प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ हमने फील किया, उसके बारे में महसूस किया, तो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पूरी जो चैप्टर है हमारा आज क्लोज होता है पार्ट 2 में। थैंक यू।